हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप कहोगे सर कहाँ हो आज, तो आज हमें जंगल में हर वर्ष की भांति हम हमेशा आपको अपडेट दिया करते हैं। जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता है कि अपन लोग जंगल में क्या करने आते हैं। साल में एक बार आना पड़ता है, मतलब एक दो दिन। महुआ का पेड़ सबको पता होगा, महुआ जिसे बोलते हैं, और ये महुआ गिरा हुआ देख सकते हैं आप लोग। इसको अपन है ना, ये कम से कम 15 से 20 दिन यहाँ पर रहता है, और इसके बाद हम इसको बोलते हैं मखार। अपने देसी भाषा में इसको बोलते हैं मखार उठाने आए, ठीक है। तो ये महुआ उठाने आए हैं, और यहाँ पर जो रखवाली करने वाले गांव के लगभग मान लीजिए 25-30 लोग पूरे जंगल में जितने भी महुआ का पेड़ रखवाली करते हैं। और लगभग आज पानी भी आ रहा है, और देखते हैं महुआ बीन पाएंगे कि नहीं पूरा का पूरा। पहले हम झाड़ू से उसे पूरा एकत्रित करते हैं, फिर उसे उड़ा करके कचरा अलग करके और बैलगाड़ी के माध्यम से हम घर ले जाते हैं, और फिर उसका जो डंठल वगैरह जो और कचरा है बाहर कर देते हैं। तो आप सब कैसे हो? और ये एमपी बोर्ड में तो भाई पेपर हो ही चुका है, तो क्या चल रहा है हालचाल आपका? जो भी आपके लिए दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई, उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। न्यू सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इधर उधर गर्मी में 2-4-10 दिन रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। बाकी नया बैच जो है बहुत जल्द 12th का स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और इधर देख सकते हैं किस प्रकार से झाड़ू लगा रही है मम्मी। जंगल में भी सफाई हो जाता है एक प्रकार से, और कई सारे पेड़ होते हैं हमारे पास। इधर हमारे 3-4 पेड़ हैं, तो हर पेड़ में तो उतना नहीं रहता है, कुछ तो चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 1-2 क्विंटल तो हो ही जाता है, और इसको फिर अपन बेच देते हैं। तो क्या आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम। और इसका पूरा ब्लॉग जो है हमारे मेन चैनल में तो नहीं आता है, आपको मिलेगा शिव सर वाले चैनल में। तो शिव सर को आप यदि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम पूरा अपडेट देते रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है वहाँ पर आपको मिलता रहता है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।